आइए मगध के शिरोमणि परम ज्ञानी ब्राह्मण जो अब भिक्षु बन गए हैं, बड़ा खेद हुआ आपका ये परिवर्तन देख। महाराज, यदि आप मेरी दीक्षा से क्रोधित हैं तो मुझे भी खेद है। उतना खेद नहीं जितना हमें है। आपने अपनी पूरी ब्राह्मण जाति को, मगध को हमें लज्जित किया है और हमारे जले पे नमक छिड़कने के लिए उस बुद्ध के अनुयायी बन गए हैं आप। बुद्ध के सामने शीश अनायास ही झुक जाता है। आपने मगध नरेश के सम्मान के शीश को झुकाया है और अब आपके शीश पर मगध की जवाबदेही बनती है। जब मैं बुद्ध से विवाद करने आया तो मैं ज्ञान के अहंकार में था और जब मैंने बुद्ध का तेज देखा तो मेरे अहंकार का शीश टूट गया और अपमान हुआ हमारा। हमने आपको बुद्ध को पराजित करने के लिए बुलाया था, भला आप ही बुद्ध से पराजित हो गए। महाराज, मैं संघ की शरण में इसलिए नहीं आया कि मैं आपका, जाति का, धर्म का अपमान करूं, किंतु मैं संघ की शरण में इसलिए आया हूं महाराज कि मैं जीवन में कभी परम धर्म के किसी मार्ग को पा सकूं, सुख दुख से परे शांति के मार्ग पर। तो दुख से परे जा रहे हैं अपने कर्मों के दंड को भुगते बिना। महाराज, आप जैसा उचित समझें करें। सागर के गर्भ में समाहित पृथ्वी पर जब हम विजय प्राप्त करते हैं तो हमारी तृष्णा और बढ़ जाती है और सागर से परे की पृथ्वी को भी जीतना चाहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य लोभी होता है उसी प्रकार सागर भी लोभी होता है, वो सदैव जल की इच्छा रखता है और जिसने अपने आप को जीत लिया उसने महाराज ब्रह्मांड को जीत लिया। अब एक और शब्द नहीं, मैंने आपको यहां धर्म की चर्चा के लिए नहीं बुलाया, आप स्वयं को जीतने जा रहे हैं, दुख से जीतने जा रहे हैं, है ना? तो देखें कि आप दुख पर विजय पा सके। ले आओ। तो परम ज्ञानी सोनदास, अभी तक आपने सुख और दुख ऊपर नहीं हो सके। आपका दोषी मैं हूं तो फिर मेरे माता पिता को क्यों दंड दे रहे हो? आपके बुद्ध कहते हैं कि हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, तो दंड आप पाए या आपके माता पिता, अंतर क्या है? हम तो केवल ये देखना चाहते हैं कि दंड का अधिक प्रभाव कहां पड़ता है। मुझे क्षमा कर दे। पुत्र, तुम जी छोटा न करना। तुम जिस पथ पर चले हो उसे सिद्ध हो गया है कि ब्राह्मण वही है जिसे परम ज्ञान प्राप्त करने की सच्ची लगन है। हमारा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। ले जाओ इन्हें।